आज हम लिथियम बैटरी की फैक्ट्री पर आए हैं और इस फैक्ट्री में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से लिथियम बैटरी का प्रोडक्शन हो रहा है। भारत की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो काफी छोटी और काफी बड़ी लिथियम बैटरी बनाती है, तो उन्हीं सभी बैटरियों के बारे में आज हम अपनी वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। ये भी बताएंगे कि कितने साल तक ये चल सकती है, क्योंकि लिथियम की बैटरी दो तरह की होती है, लिथियम आयन बैटरी होती है, लिथियम फास्फेट बैटरी होती है। तो हम अंदर जाकर देखेंगे कि यहाँ पर लिथियम आयन बैटरी बनाई जाती है या फिर लिथियम फास्फेट बैटरी बनाई जाती है। तो चलिए दोस्तों आज चलते हैं और दिखाते हैं आपको सारा कुछ कि इस कंपनी में किस तरह से यहाँ पर बैटरियाँ बनाई जाती हैं और क्या इनकी क्वालिटी है, क्या इनकी खास बात है, सारी चीज़ें हम अपनी वीडियो में आज आपको बताएंगे। दोस्तों नेक्सस सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की हम फैक्ट्री में आ चुके हैं और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि काफ़ी तेज गति से प्रोडक्शन चल रहा है, काफ़ी जो लेबर है यहाँ पर लगी हुई है और बैटरियों को इंस्टॉल कर रहे हैं, बैटरी बना रहे हैं और आप मेरे पास ये देख पाएंगे कि कितनी तेज गति से काम चल रहा है। शायद कोई ऑर्डर आया हुआ है जिस ऑर्डर की वजह से काम कर रहे हैं, लेकिन इन बैटरियों की लाइफ क्या है, क्या कीमत है, किस तरह से आप इन्हें खरीद सकते हैं, किस तरह से जो डीलर है उनसे संपर्क कर सकते हैं, तो पूरी जानकारी आज हम अपनी इस वीडियो में देने वाले हैं। आइए बात कराते हैं और कोशिश करेंगे अगर कोई हमसे यहाँ बात कर ले और इनके बारे में कोई जानकारी हमें दे दे, क्योंकि काफ़ी अच्छा नाम है नेक्सस, भारत की एक इकलौती ऐसी कंपनी है जहाँ पर टिकाऊ और दमदार जो बैटरियाँ यहीं पर मिलती हैं, काफ़ी भरोसेमंद बैटरी यहाँ पर मिलती है और ऐसी इस तरह की बैटरी मिलती हैं जिनमें कभी कोई ना तो आग लग सकती है, जिनकी लाइफ सबसे अलग है और कीमत भी सबसे अलग है, सबसे कम कीमत पर मिलती है। तो मैं कोशिश करूँगा बात करने की। सर नमस्कार। सर आपकी फैक्ट्री में है सर ये जो लिथियम बैटरी है, हमारी एक वीडियो पड़ी हुई है सर, उसमें बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं जो ये मालूम करना चाह रहे हैं कि ये बैटरी कहाँ बनती है, किस तरह से हम इन्हें खरीद सकते हैं, इनकी कीमत क्या है और कहाँ कहाँ इन्हें यूज कर सकते हैं, इनकी लाइफ क्या होती है, इसके बारे में सर आज आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके बारे में पूरी जानकारी दें। धन्यवाद। ये जो बैटरी आप देख रहे हैं ये लिथियम की प्रिज्मेटिक सेल से बनी हुई लिथियम फॉस्फेट बैटरी है। सर एक मिनट मैं आपसे रुकूंगा, क्योंकि लिथियम की दो तरह की बैटरी होती है, एक लिथियम आयन बैटरी होती है, एक लिथियम फॉस्फेट बैटरी होती है, तो ये बैटरी कौन सी है? देखिए लिथियम आयन जो बैटरी है वो हम लोग नहीं यूज करते हैं, लिथियम आयन का जो सेल है वो एक्सप्लोसिव है। अगर आपने देखा होगा कई बार स्कूटी में आग लग गई, जो आग लगने वाली शिकायत है वो लिथियम आयन के साथ होती है। लिथियम जो फॉस्फेट सेल है ये सेफ सेल है, इस सेल में आग लगने की आज तक कोई दुर्घटना इस तरह की सामने नहीं आई है और ये जो सेफेस्ट लिथियम की टेक्नोलॉजी है उनमें से एक है। मतलब ये यूज करनी चाहिए लोगों को ज्यादातर वो लिथियम फास्फेट यूज करना। अगर आपको अपने घर के लिए एक लॉन्ग लाइफ, एक ड्यूरेबल बैटरी चाहिए और एक सेफेस्ट बैटरी चाहिए जी, तो आपको लिथियम फॉस्फेट के साथ में जाना चाहिए। लिथियम फॉस्फेट में दो टेक्नोलॉजी है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि एक आप सिलेंड्रिकल सेल में आप बना सकते हैं बैटरी को और एक प्रिज्मेटिक सेल में बना सकते हैं। तो ये जो आप बैटरी देख रहे हैं ये प्रिज्मेटिक सेल की बैटरी है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें ए ग्रेड का सोलर सेल लगाया हुआ है, प्रिज्मेटिक का बड़ा सेल है ये, 100 AH का एक सेल है, 3.2 वोल्ट का एक सेल है। ये जो बैटरी है इस सेल से बनी हुई ये इंडिया की सबसे सेफेस्ट बैटरी है। सर सेफेस्ट क्या क्या कारण है जो सेफेस्ट है, मतलब क्या कारण है इसके सेफेस्ट बनाते हैं? देखिए इसमें जो सबसे पहला टेक्नोलॉजी है इसके अंदर वो ये है कि अगर इस बैटरी में किसी वजह से हीट जनरेट हो जाती है जी, तो ऑटोमेटिक सबसे इसमें फैन दिया हुआ है या फैन देख रहे हैं, ये फैन ऑन हो जाएगा और ये फैन ऑफ के जो भी इसके अंदर एयर है वो उसको एयर को बाहर निकालेगा ताकि हीट जो है बहुत ज्यादा बैटरी के अंदर ना रहे। एडजस्ट फैन की तरह काम करेगा, एडजस्ट फैन की तरह काम करेगा। उसके बाद भी बैटरी में अगर किसी वजह से टेम्परेचर आ जाता है तो ये बैटरी में जो BMS लगा हुआ है ये बैटरी का करंट जो है सप्लाई जो है उसको बंद कर देगा और मैं आपके कैमरामैन को बोलूंगा कि वो आके दिखाएं। एक ये अलार्म बटन इसके अंदर दिया हुआ है ALM, ये बटन ऑन हो जाएगा और बैटरी शटडाउन मोड में चली जाएगी। ऑटोमेटिक बैटरी के अंदर कोई भी फॉल्ट होता है, आप ये वायरिंग देख रहे हैं इस वायरिंग में कहीं कोई फॉल्ट होता है या बैटरी में एक्सटर्नली कहीं से उसको हीट सेंस होती है या कहीं से हीट आ रही है जी, तो या फिर आप एक बहुत हाई करंट बैटरी से ड्रेन कर रहे हैं, 100 एम्पीयर से ज्यादा 150 एम्पीयर का करंट ड्रेन कर रहे हैं जी, जी। तो इसके अंदर इतना स्मार्ट सेंसर दिए हुए हैं हमने कि वो तुरंत उसको सेंस करेगा कि बैटरी को नुकसान हो सकता है और ये बैटरी को तुरंत ही जो प्रोटेक्शन में डाल देगा, बैटरी की सप्लाई जो है वो बंद कर देगा। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं आपके कैमरामैन को बोलूंगा कि वो आए और बैटरी को दिखाएं। इसके अंदर हमने जितने भी लेटेस्ट फीचर्स हैं वो सारे दिए हैं, जब मैं आपको बैटरी ऑन करके दिखाऊं तो ये आप नहीं नहीं तो आप ये देख रहे हैं, ये मैंने बैटरी ऑन की, SOC जल गया, इसमें SOC के इंडिकेटर हैं वो सारे ऑन हो गए, आप 4 इंडिकेटर देख रहे हैं ग्रीन ये जल रहे हैं, इसका मतलब ये कि चार, अगर ये चार जल रहे हैं मतलब बैटरी फुली चार्ज है, जैसे जैसे बैटरी आपकी डाउन होगी इंडिकेटर जो है बंद मतलब बताएंगे कि बैटरी कितनी कितनी चार्ज है। ये फीचर इसके अंदर है। इसके अलावा बैटरी पर ट्रबल शूट करना है तो ट्रबल शूटिंग के लिए छोटे छोटे जो आप देख रहे हैं ट्रबल बटन, मतलब अगर बैटरी में हमें कोई लगता है कोई फॉल्ट है बैटरी किसी सेल में फॉल्ट है तो हमें इस बैटरी को खोलने की जरूरत नहीं है, हम एक्सटर्नली इस बैटरी को ट्रबल शूट कर सकते हैं। ये आप कम्युनिकेशन पोर्ट देख रहे हैं इसमें और मेंटेनेंस के लिए भी हमने पोर्ट दिया है, ये हर सेल का मेंटेनेंस जो है हम यहीं से कर सकते हैं, मतलब इस बैटरी को हमें खोलने की जरूरत है, हमारे इंजीनियर को इस बैटरी को खोलने की आवश्यकता ही नहीं है।
तो ये जो है ये तो सर मुझे लगता है कि शायद आपके अलावा तो कोई इस तरह से ना बनाता अभी तो नहीं स्मार्ट बैटरी ना बनाता। हाँ, ये बिल्कुल स्मार्ट बैटरी है। ये बैटरी इंडिया की सबसे सेफेस्ट बैटरी है। इस बैटरी की जो लाइफ है मैं आपको बताऊँ, इस बैटरी की लाइफ है 20 साल। सर 20 साल किस तरह से हो सकती है, आप कुछ ज्यादा ना बोल रहे जी। ये जो सेल आप देख रहे हैं इसके अंदर अगर आप कहेंगे तो मैं आपको टेस्ट रिपोर्ट अभी दिखा सकता हूँ इसकी जी, जी। ये सेल 3000 जो है साइकिल का सेल है, मतलब कि ये जो सेल है इसको आप 3000 बार पूरी तरीके से चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं। 3000 बार। नॉर्मल जो हमारी लेड एसिड बैटरी होती है उसमें जो मैक्सिमम लाइफ साइकिल होता है वो 700 होता है, तो 700 बार आप उस बैटरी को पूरी चार्ज और पूरी डिस्चार्ज कर सकते हैं। 700 और कहां 3000 ये 3000 चार गुने से ज्यादा। तो आप सोचिए, इसीलिए नेक्सस ये वारंटी करता है। हम इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जो ये वारंटी करते हैं कि अगर आप हमारी बैटरी को 15 साल के अंदर खराब कर लेते हैं तो इस बैटरी को 50% डिस्काउंट और एमआरपी पे हम बदल देंगे। ना सर, जिस तरह से इसके मान लो हमने कोई बैटरी नहीं खरीद ली, किसी ने भी नहीं खरीद ली बैटरी, इसे चार्ज कर रहा है फिर डिस्चार्ज हो रही है, तो 100% तो कुछ दिन तक दे पाते होगे ना सर, या कब तक दे पाते 100%? ये 100% जो इसका बैकअप है 3000 साइकिल तक ये 100% बैकअप देगी। ये 3000 साइकिल मतलब करीब 9 साल तक, तो आप समझ सकते हैं अगर 2 दिन में भी एक साइकिल कवर हुआ तो आप समझ सकते हैं कि इसकी कितनी लाइफ है। 3000 बार ये बैटरी जो है अपना 100% देगी, जो इसकी आउटपुट है वो 100% देगी। 3000 के बाद में इसका आउटपुट जो है कम होना शुरू होगा, तो हम लोग 100 से 99 आएगा, 98 आएगा, तो ऐसे 50 तक भी या 40 तक भी मतलब काम तो करेगी। अच्छा हाँ, काम करती रहेगी, पर हम लोग ये गारंटी कर रहे हैं कि 15 साल में भी अगर आप इसे खराब कर लेते हैं बैटरी को, एक साइकिल भी आप यूज करते हैं इसका, तो 15 साल में आप बैटरी चेंज कर लो हमसे, 50% पे हम आपको बैटरी चेंज कर देंगे। अच्छा, मतलब इसकी कीमत क्या है? अभी इसकी जो कीमत है वो है 1,04,500 रुपये प्लस GST। तो GST में अगर आप सोलर पैनल के साथ आप इसे लेते हैं तो ये आपको बैटरी जो है ये 12% GST पे मिल जाएगी, और आप बिना सोलर पैनल के इस बैटरी को बाई करते हैं तो 18% पे GST पे आपको ये बैटरी मिलती है जी, जी। तो ये जो बैटरी है ये इंडिया की पहली ऐसी बैटरी है जिसमें आपको 15 साल की वारंटी मिलती है, और इसके अंदर आप देख रहे हैं प्रीमियम क्लास का सेल और सबसे इंडिया की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का हम लोगों ने यूज़ किया है। सर जैसे आप बता रहे हैं ना 1,00,000 रुपये इसकी कॉस्ट है, तो काफ़ी ज़्यादा ना होगी? देखिए आप ये समझिए कि एक बैटरी जो है 5 गुनी ज़्यादा आपको लाइफ मिलती है। अब नॉर्मली जो 450 Ah की बैटरी है उनके बराबर, लेड एसिड की बैटरी है उनके बराबर ये बैटरी है, मतलब जितना बैकअप बराबर एक बैटरी, हाँ जितना बैकअप आपको 450 Ah बैटरी से मिलेगा उतना बैकअप आपको इस अकेली बैटरी से मिलेगा। लेकिन आप बता रहे हो कि 50% की छूट मिलेगी 15 साल बाद अगर कोई इसे वापस करता है तो इसका मतलब कि 50,000 रुपये की छूट दे देंगे आप? हाँ, मतलब 52,000 के आसपास की छूट आएगी, 50-52,000। हाँ, तो वो हम देखें और नई बैटरी जो है उन्हें ना, तो सर फिर उसका मतलब तो हुआ ना कि इसकी कीमत ही हम इतनी आग के चले हैं 50-52,000। आप वही मानिए ना, आप 15 साल में, मैं आपको ये गारंटी कर रहा हूँ कि आप 15 साल में बैटरी को खराब कर दीजिए, ऐसे कुछ लिखित में देंगे? लिखित में दे रहे हैं, वो सारी चीज हमारी वेबसाइट पे है और हम लिखित में हमारे वारंटी कार्ड में भी इंक्लूड है जी। दूसरी मैं आपको एक चीज और बताऊँ, ये बैटरी आप बोल रहे हैं महंगी है, ये बैटरी असल में सबसे सस्ती है। नंबर एक बात ये समझिए कि लेड एसिड बैटरी में आप 150 Ah की 4 बैटरी चार्ज कर रहे हैं रोज, तो करीब आपके 8 यूनिट खर्च होते हैं, 8 यूनिट रोज खर्च हो रहे हैं। पर इस बैटरी को आप उतनी ताकत की बैटरी ये है, इसको चार्ज करेंगे ग्रिड से तो आपके मात्र 4 यूनिट खर्च होंगे, मतलब 4 यूनिट पर हर रोज की आपको मतलब चार यूनिट बच रहे हैं वहाँ पे आपको 10 घंटे में बैटरी चार्ज हो रही है, यहाँ पे आपकी बैटरी 4 घंटे में चार्ज हो जाएगी। दूसरे अगर वहाँ बैटरी को उसको 15 Ah से ज्यादा Ah से अगर आप चार्ज करेंगे तो बैटरी खराब हो जाती है, पर इस बैटरी को आप 30 Ah से भी चार्ज कर सकते हैं, और आप सोलर से चार्ज कर रहे हैं तो 50 Ah से भी इस बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। और 100 जैसे कि आप ये देखेंगे कि अगर बैटरी से आप लेड एसिड बैटरी से अगर आप 100 Ah का 48 वोल्ट पे 100 Ah का करंट अगर विड्रॉ कर रहे हैं जी जी। तो बैटरी बावश्किल 30 मिनट वो बैकअप दे पाती है, 30-35 मिनट उससे ज्यादा नहीं होती जी जी। और बैटरी की लाइफ को भी कम्प्रोमाइज होती है, पर ये ऐसी बैटरी है कि इसमें आप 100 Ah का 48 वोल्ट पे 100 Ah का भी अगर आप करंट से विड्रॉ कर रहे हैं तो 100% ये बैटरी आप टेस्ट कर लीजिएगा 100 Ah के लोड पे 4.5 घंटे चलेगी। अच्छा सर ये बताएं, जिस तरह से आपकी ये वाले बैटरी जिसकी आप बता रहे हैं तो आप इसी तरह की बैटरी बनाते हैं या इसके अलावा और भी लिथियम फास्फेट की और भी तरह की बैटरी बनाते हैं आप? देखिए हम लोग इंडिया के पहली ऐसी कंपनी है जो आपको 12 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट तक की बैटरी आपको बना के देते हैं। अगर आपको 50 kVA पे बैटरी लगानी है, 20 kVA पे लगानी है, 7.5 kVA पे लगानी है तो आपको लिथियम बैटरी में ये सोल्यूशन कहीं नहीं मिलेगा। 48 वोल्ट तक बनाने वाली कंपनी बहुत है इंडिया में, पर हम लोग पहली ऐसी कंपनी है जो आपको 240 वोल्ट तक की भी बैटरी बनाकर दे सकते हैं। 240 वोल्ट की तो सर बहुत, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, कैमरामैन को बोलूंगा क्या दिखाएं। आप इसे और बताएं सर, थोड़ा सा ये बताएं जिस तरह से बैटरी ये यूज किस में आएगी, ये वाली बैटरी? ये बैटरी भी मैं यूज भी बताऊंगा आपको, मैं आपको एक दिखा देता हूँ। आप ये देख रहे हैं हमारा 10 kVA का इन्वर्टर है जी, 10 kVA आप देखें, 10 kVA 144
वोल्ट का इन्वर्टर है। हाँ जी, हाँ जी। और ये लिथियम कंपेटेबल हमारा इन्वर्टर है। देखिए 140 वोल्ट की बैटरी हमने बनाई है, मतलब सीरीज लगा रखी है। ये सीरीज, ये नॉर्मल, आप नॉर्मल जो कोई भी बैटरी को आप सीरीज नहीं कर सकते हैं लिथियम में, यही दिक्कत है कि नॉर्मल लेड एसिड बैटरी की तरह सीरीज नहीं होती। इसको सीरीज करने के लिए इसके अंदर BMU लगता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर लगते हैं, हार्डवेयर भी इसका अलग होता है। तो ये 140 वोल्ट की बैटरी हमने बनाई है। देखो बैटरी ए, बैटरी बी, बैटरी सी, ए बी सी को कनेक्ट करके 140 वोल्ट की। सर जो आपकी नेक्सस वाली बैटरियां यही सीरीज में हो सकती है? ये स्पेशल बैटरी है हमारी, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि 240 वोल्ट तक की बैटरी भी हम इसमें बना के दे सकते हैं आपको। तो ये 144 वोल्ट की बैटरी है, 144 वोल्ट की बैटरी है। इसी तरह आपको 96 वोल्ट की बैटरी चाहिए, 240 की बैटरी चाहिए, तो इस तरह की हम बना के आपको दे सकते हैं। हम लोग आपको, अगर आपको 12 वोल्ट की बैटरी चाहिए वो आपको मिल जाएगी, आपको इन्वर्टर पे लगानी है वो मिल जाएगी। और पहली ऐसी कंपनी है जो आपके इन्वर्टर के हिसाब से आपको बैटरी डिजाइन करके दे देंगे लिथियम की। आपका इन्वर्टर जैसा है, हाँ जी, उसकी कॉन्फिगरेशन आप हमें भेजें और उसके हिसाब से हम लिथियम आयन बैटरी भी आपको बना के दे देंगे। मतलब किसी को एक चाहिए तो आप एक भी बना देंगे? एक चाहिए एक भी बना देंगे। अभी हम बहुत सारी कंपनी, अभी ये ऑर्डर आप देख रहे हैं, ऑर्डर बनना है, ये कंपनी का ऑर्डर है। हम बहुत सारी कंपनियों को बैटरी जो है बना के देते हैं। मतलब किस किस तरह की जो आप जो कंपनियां उनमें आपकी बैटरी यूज होती है? हमारी देखिए, आपको ऑटोमोटिव वाली कंपनी है, आपको स्कूटी के लिए बैटरी चाहिए, आपको इन्वर्टर के लिए बैटरी चाहिए, आपको ई रिक्शा के लिए बैटरी चाहिए, कार के लिए, आपको कार के लिए बैटरी चाहिए जो अभी कार आ रही है, तो या आपको बहुत कोई कमर्शियल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है उसके लिए बैटरी चाहिए, तो वो सारी तरह की बैटरी हम लोग बनाते हैं। जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो ये बैटरियां बनाई जा रही है, हमने देखा था यूनिट नंबर 4 है ये, जहाँ पर हम इस समय खड़े हैं। तो यूनिट नंबर 4 का मतलब क्या क्या, इसके अलावा और आपकी कोई फैक्ट्री है सर जहाँ पर ये काम करते हैं? ये हमारी यूनिट नंबर 4 है, ये चोला, आप चोला चौराहे के पास में जस्ट 1 किलोमीटर है सेकंड हाउस रोड से, आपने देखा ही। इसकी तरह हमारी 3 यूनिट और हैं जिनमें हम सोलर पैनल बनाते हैं, सोलर एयर कंडीशनर। कहाँ कहाँ पर है आपकी? वो हमारी दिल्ली में है, सेक्टर 122 नोएडा में है, जो फैक्ट्री है एक ही बुलंदशहर में ही है, पास में ही है। तो वहाँ पे हम लोग अपना जो है अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिसमें सोलर एयर कंडीशनर्स है, आपका सोलर पैनल है, ये इन्वर्टर्स हैं, तो उस तरह की हम पूरी रेंज बनाते हैं, सोलर की कंप्लीट रेंज हम लोग बनाने के लिए जाने जाते हैं। तो जो हमारे सर ये लोकेशन है जहाँ पर हम इस समय खड़े हैं, बुलंदशहर के हम नज़दीक हैं, बुलंदशहर कितने किलोमीटर पड़ता होगा? बुलंदशहर यहाँ से जस्ट 8 किलोमीटर है, ये चोला इंडस्ट्रियल एरिया है, चोला थाने से 1 किलोमीटर सिकंदराबाद रोड पे फैक्ट्री है। जी जी। और इसकी जेवर एयरपोर्ट कितने किलोमीटर यहाँ से? जेवर एयरपोर्ट जो है वो 8 किलोमीटर है, जो अभी नया एयरपोर्ट बनना है। चोला रेलवे स्टेशन यहाँ से मात्र 4 किलोमीटर है, सिकंदराबाद यहाँ से 12 किलोमीटर और खुर्जा यहाँ से 12 किलोमीटर। दोस्तों मैं सर उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर ये जिला है जिसके पास ये चोला थाना पड़ता है। तो सर अगर कोई कस्टमर आपसे कंपनी में डायरेक्ट संपर्क करे तो क्या यहाँ से भी मिलना पॉसिबल है या जो आपके डीलर्स हैं वहाँ से खरीदे जा सकते? देखिए कंपनी से तो हम लोग जो बड़ी कंपनीज हैं उनके लिए हम लोग OEM करते हैं, बैटरी बना के उन लोगों को देते हैं। बहुत सारी जो स्कूटी की कंपनी है उनको बैटरी चाहिए, उनको हम बना के देते हैं। ई रिक्शा कंपनीज को हम लोग बैटरी देते हैं। जो हायर इन्वर्टर बनाती हैं कंपनी हायर वोल्टेज के, उनको हम लोग बैटरी बना के देते हैं। जी। तो ये तो हम लोग बल्क में देते हैं, बाकी किसी को एक बैटरी दो बैटरी चाहिए तो हमारी वेबसाइट है www.nexussolarenergy.in, वहाँ पे जाके बैटरी खरीद सकते हैं, या वहीं पे डीलर लोकेटर भी दिया हुआ है, वहाँ पे डीलर लोकेटर में अपना पिन कोड डालें, अपना पिन कोड जैसे ही वेबसाइट पे डालेंगे वहाँ पे नीचे उनके नियर में जो कंपनी के डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं हमारे उनके नाम नंबर मिल जाएंगे, वहाँ पे उनको कॉल करके वहाँ से बैटरी जो भी उनको चाहिए। सर नेक्सस के नाम पे तो और भी कई वो कंपनी चल रही है जो बना रही है इस तरह से, तो मतलब वो फर्जी है क्या क्या है सर? नेक्सस सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड MCMA रजिस्टर्ड एकमात्र कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में एक ही कंपनी रजिस्टर्ड है जो नेक्सस सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है, और उस कंपनी का मुख्यालय बुलंदशहर में है। हमारी कंपनी का जो ये हमारी कंपनी का नाम जो है वो ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट हम लोगों ने किया हुआ है। कई सारे मेरे संज्ञान में आया है कि लोग नेक्सस सोलर के नाम से गलत प्रोडक्ट लोगों को दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ अगर हमें पता चल रहा है तो हम लोग उनके खिलाफ एक्शन भी ले रहे हैं, लीगल नोटिस भी उन लोगों को भेज रहे हैं। बाकी कंपनी जो है नेक्सस सोलर एनर्जी वो इंडिया में एक ही कंपनी है और वो कंपनी आप वहीं उसी कंपनी में खड़े हैं। तो सर जिस तरह से आपने बताया था कि जो ई रिक्शा के लिए आप बैटरी बना रहे हैं वो अलग तरह की होती है इसी तरह की होती है? देखिए अभी ये प्रोडक्शन जो है ये उनके लिए चल रहा है, एक ऑर्डर है 500 बैटरी का, तो जैसे ही ऑर्डर खत्म होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ई रिक्शा की बैटरी हम किस तरह बनाते हैं, और हम ये गारंटी करते हैं कि हमसे सस्ती बैटरी ई रिक्शा में आपको पूरे इंडिया में नहीं मिलेगी। आप आइएगा, दोबारा आपका स्वागत है, आपको मैं दिखाऊंगा कि वो बैटरी कौन सी है, और ई रिक्शा में वो बैटरी चलेगी 6 से 8 साल बैकअप। 6 से 8 साल मतलब ये तो ये लगा लो सर, जब से ई रिक्शा खरीदा है जब से वो लास्ट हो रहा है चलेगी। उसके अलावा मैं आपको ऐसी भी टेक्नोलॉजी बताऊंगा कि उनको कभी बैटरी चार्ज करने की जरूरत ही नहीं है,
ये ऐसी टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है, मतलब बगैर चार्ज चलेगा, बगैर चार्ज, आपको ग्रिड से बिजली से चार्ज ही नहीं करना है रिक्शा जी। तो आप नेक्स्ट जब भी आएंगे तो मैं आपको सारा दिखाऊंगा, अभी चूंकि ऑर्डर का प्रोडक्शन है। तो दोस्तों ये ई रिक्शा वाली जो बैटरी अभी सर ने बताई है वो हम अपने चैनल पर जरूर दिखाएंगे, और उस वीडियो को देखने के लिए आपको थोड़ा सा हल्का सा वेट करना पड़ेगा। तो हमारे चैनल पर बने रहें, उस वीडियो को देखने के लिए, उस बैटरी को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी वो वीडियो अपलोड की जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जा रहा है, आप आसानी से उसके बारे में जानकारी ले सकें।